बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। माय नेम इज सुमेरा खुर्रम एंड आई एम वर्किंग एज सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिबार। वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक which is very important for board point of view. Our today's topic is Bronsted Lowry concept. We have to discuss learning objectives of this topic. Number one, to evaluate the basic concept of acid and bases. Definitions kya hongi is concept ke mutabik, isko hum detail se padhenge. Number two, to evaluate conjugate acid-base pair and how to write equations for ionization reactions. Number three, to describe the acid-base behavior of amphoteric substances. In terms ka hum aage istemal karenge. Before starting our topic, I would like to recall some previous knowledge for your convenience. आपने आर्हेनियस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस में एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। एक्वस सॉल्यूशन से क्या मुराद है यहाँ पे? जो वाटर के मीडियम के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एसिड का नाम देते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी इसमें? नाइट्रिक एसिड वाटर के अंदर डिसोसिएट होगा और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से बेस की डेफिनेशन क्या होगी? बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड। बेस वो सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेस का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट। इसमें आपने एग्जाम्पल क्या पढ़ी थी? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर के अंदर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। Now students, the question arises, why we need Bronsted-Lowry concept? इसमें आपने पिछले लेक्चर में limitations of Arrhenius concept के बारे में पढ़ा। इसको हम दोबारा देखते हैं। Arrhenius concept के मुताबिक इसकी क्या क्या limitations थी? Number one, this concept is applicable only in aqueous medium and does not explain नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। ये कंसेप्ट जिसमें सिर्फ एक्वस मीडियम यूज होता है, यानी एसिड और बेसिस सिर्फ वाटर के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, वाटर के अलावा वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट acid and bases are only those compounds which contain hydrogen ion and hydroxide ion respectively. It cannot explain the nature of the compound like carbon dioxide, ammonia, etc., which are acid and bases respectively. In examples में देखें तो carbon dioxide acidic nature है, लेकिन hydrogen ion produce नहीं करता क्योंकि इसके अंदर hydrogen ion मौजूद ही नहीं है। इसी तरह से अमोनिया बेसिक नेचर है, लेकिन एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करता। सो हमें मजीद किसी ब्रॉडर कंसेप्ट की जरूरत थी जो कि इन कंपाउंड के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सके, जो कि हम Bronsted-Lowry कंसेप्ट में पढ़ेंगे। नाउ
we will start our today's topic, that is Bronsted-Lowry concept. Who presented this theory? Bronsted-Lowry theory, also called proton theory of the acid and bases, introduced independently in 1923 by Danish chemist Johannes Nicolaus Bronsted and English chemist Thomas Martin Lowry. अब हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की डेफिनेशंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन आयन किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करेगा। बेस की डेफिनेशन क्या होगी? बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। यानी एसिड और बेस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे। एक सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करेगा जबकि दूसरा सब्सटेंस उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। सो बेस की डेफिनेशन क्या होगी? बेस वो सब्सटेंस है जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। प्रोटॉन से मुराद यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, यानी एसिड वो स्पीशी है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है एंड बेस इसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि ये सामने एग्जांपल में दिखाया गया है कि एसिड अपना हाइड्रोजन आयन बेस को देता है। यहाँ पे आपको सामने एसिड नजर आ रहा होगा, ये एसिड है जो कि अपना ये प्रोटॉन बेस को डोनेट कर रहा है और बेस को डोनेट करने के बाद खुद किस में चेंज हो रहा है? कॉन्जुगेट बेस में। जबकि बेस एसिड से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एसिड बेस? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या चीज है? कॉन्जुगेट मीन्स ज्वाइन टूगेदर एज पेयर। एसिड अपना हाइड्रोजन आयन बेस को डोनेट करता है और बेस इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करके एक स्पीशी बनाता है जिसको कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। जबकि एसिड अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करके कॉन्जुगेट बेस बनाता है। अब डेफिनेशन देखें इसकी, कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन क्या होगी? कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशी formed by accepting a proton by a base. कैसे इसको explain करेंगे? Conjugate acid वो species है जो के basis proton accept करने के बाद उसमें change होती है। तो ऐसे substances को हम conjugate acid कहते हैं। इस तरह से conjugate base क्या होगा? Conjugate base is a species formed by डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। कॉन्जुगेट बेस वो स्पीशी है जो कि एसिड अपना प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करने के बाद बनाता है, उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। आए इन एग्जाम्पल्स की मदद से हम देखते हैं कि एसिड बेस पेयर कैसे बनते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और साथ इसमें क्लोराइड आयन बना रहा है। अब इस केस में देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें एसिड है और बेस के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना प्रोटॉन बेस को डोनेट करने के बाद किस में चेंज होगा? कॉन्जुगेट बेस में। और इसी तरह से जो बेस है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होता है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल देखें तो इस एग्जाम्पल में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाते हैं और साथ इसमें क्लोराइड आयन बनाए। अमोनिया इसमें बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें एसिड है और आफ्टर रिएक्शन ये अमोनियम आयन बना रहे हैं और साथ इसमें क्लोराइड आयन बना रहे हैं। तो जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा है,
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट करने के बाद खुद किस में चेंज हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस में। इसी तरह से अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो रहा है। दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखें तो कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय ए बेस। कॉन्जुगेट एसिड वो स्पीशी है जो कि बेस एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बनाता है। इसी तरह से कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। एसिड अपना प्रोटॉन किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट करने के बाद जो स्पीशी बनाता है उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड और बेसिस दोनों तरह से बिहेव करते हैं, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं बेस की तरह और प्रोटॉन को डोनेट भी करते हैं एसिड की तरह। ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, द सब्सटेंसेस दैट कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज ए बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक कंपाउंड। वो सब्सटेंसेस जो के एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एसिड की तरह किस तरह बिहेव करेंगे कि अगर वो अपना प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और अगर वो बेस की तरह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो उसको हम बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, एग्जाम्पल में देखें तो एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसीटेट आयन बना रहा है और साथ इसमें हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। अब इसमें एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड इसमें एसिड है, वाटर इसमें बेस है, एसीटेट आयन इसमें कॉन्जुगेट बेस है, जबकि हाइड्रोनियम आयन इसमें कॉन्जुगेट एसिड है। एसिटिक एसिड एसिड है, अपना ये प्रोटॉन ये बेस को डोनेट करेगा और खुद किस में चेंज होगा, कॉन्जुगेट बेस में, और बेस वाटर हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होगा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखें तो वाटर अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनाता है और साथ इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। अब वाटर इसमें एज एसिड काम कर रहा है, सो ये अपना हाइड्रोजन आयन अमोनिया को डोनेट करके अमोनियम आयन बनाएगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, और खुद किस में चेंज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन में जो कि कॉन्जुगेट बेस है। फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो वाटर एज ए बेस काम कर रहा है, जबकि दूसरी एग्जांपल में देखें तो वाटर एज एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। सो वाटर इज एम्फोटेरिक कंपाउंड। Dear students, although this concept is widely applicable, but there are still limitations of this concept too. It has been observed that there are certain substances which behave as acid, for they do not have the ability to donate a proton. For example, sulfur trioxide. Similarly, calcium oxide behaves as a base, but it cannot accept a proton. These observations prove the limitations of Bronsted-Lowry concept of acids and bases. यहाँ पे देखें, सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, यानी इसमें प्रोटॉन है ही नहीं, सो इसलिए ये प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करेगा। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑल्दो कि इसकी बेसिक नेचर है लेकिन ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की एसिडिक नेचर है लेकिन ये प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर है लेकिन ये भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। सो इन सब्सटेंसेस के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो कि इनकी एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगे हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट।
What are the conjugate bases of each of the following? यहाँ पर कुछ species दी गई हैं, आपने इनके conjugate bases बनाने हैं. So हम इसको solve करते हैं. HS negative water के साथ react करके S2 negative sulfide ion बनाएगा और साथ इसमें hydronium ion. अब इसमें acid कौन सा है? HS negative इसमें acid है. वाटर इसमें बेस है, सल्फाइड आयन इसमें कॉन्जुगेट बेस है और हाइड्रोनियम आयन इसमें कॉन्जुगेट बेस है. यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि एसिड अपना हाइड्रोजन आयन इस बेस को डोनेट करने के बाद खुद किस में चेंज होगा? कॉन्जुगेट बेस में. और बेस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होगा. इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल में देखें, हाइड्रोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके आफ्टर रिएक्शन वाटर बनाएगा और साथ इसमें हाइड्रोनियम आयन. अब इसमें हाइड्रोनियम आयन शुरू में एसिड है, वाटर इसमें बेस है, आफ्टर रिएक्शन ये कॉन्जुगेट बेस बनाएगा. कौन बनाएगा? जो कि एसिड यहाँ पे नजर आ रहा है. एसिड वाटर को अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और साथ इसमें कॉन्जुगेट एसिड बनेगा जो कि बेस बनाएगा. इसी तरह से H2PO4 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके HPO4 2 नेगेटिव बनाएगा. अब इसमें एसिड कौन सा है? H2PO4 नेगेटिव इसमें एसिड है, वाटर इसमें बेस है, HPO4 2 नेगेटिव इसमें कॉन्जुगेट बेस है एंड H3O पॉजिटिव इसमें कॉन्जुगेट एसिड है. अगली एग्जाम्पल देखें, HSO4 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये SO4 2 नेगेटिव बनाएगा जो कि कॉन्जुगेट बेस है और साथ H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड बनेगा. अब इसमें एसिड कौन सा है? HSO4 इसमें एसिड है एंड वाटर इसमें बेस है. इसी तरह से HF वाटर के साथ रिएक्ट करके फ्लोराइड आयन बनाएगा और साथ इसमें हाइड्रोनियम आयन बनेगा. अब इस केस में देखें तो एसिड इसमें HF है, वाटर इसमें बेस है और एसिड अपना हाइड्रोजन आयन वाटर को डोनेट करने के बाद खुद कॉन्जुगेट बेस बनाएगा जबकि बेस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, CH3COOH वाटर के साथ रिएक्ट करके एसीटेट आयन बनाएगा और साथ इसमें हाइड्रोनियम आयन बनेगा. अब इसमें CH3COOH एसिड है, वाटर इसमें बेस है, CH3COO नेगेटिव इसमें कॉन्जुगेट बेस है एंड H3O पॉजिटिव इसमें कॉन्जुगेट एसिड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा कम्प्लेक्स वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं. अब यहाँ पे देखें तो एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा कम्प्लेक्स में 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं. ओनली 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन डोनेट इट्स हाइड्रोजन आयन टू बेस. सो एक हाइड्रोजन आयन एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा कम्प्लेक्स वाटर को डोनेट करने के बाद खुद किस में चेंज होगा? कॉन्जुगेट बेस में और बेस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होगा. कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग? इससे पहले आपने कॉन्जुगेट बेस निकाले, अब हम इनके कॉन्जुगेट एसिड्स निकालेंगे इन स्पीशीज के. यहाँ पे कुछ स्पीशीज दी गई है, आपने इनके कॉन्जुगेट बेस देखने हैं. अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा अगेन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा. अब इसमें बेस कौन सा है? OH नेगेटिव आयन इसमें बेस है क्योंकि ये वाटर से एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट, वो स्पीशी जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है उसको बेस बोलते हैं और वो स्पीशी जो डोनेट करता है उसको एसिड का नाम दिया जाता है. सो आफ्टर रिएक्शन ये वाटर कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा और OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बनाएगा.
HCO3 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा और साथ इसमें OH नेगेटिव आयन बनेगा। अब इसमें HCO3 बेस है, वाटर इसमें एसिड है एंड आफ्टर रिएक्शन H2CO3 इसमें कॉन्जुगेट एसिड है एंड हाइड्रोक्साइड है इसमें कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, HPO4 2 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करके H2PO4 नेगेटिव आयन बनाएगा प्लस इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। अब इस केस में HPO4 2 नेगेटिव बेस है, वाटर इसमें एसिड है, H2PO4 नेगेटिव कॉन्जुगेट एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन इसमें कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, CH3NH2 वाटर के साथ रिएक्ट करके CH3NH3 पॉजिटिव आयन बनाएंगे और साथ इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। अब इस केस में CH3NH2 बेस है, वाटर इसमें एसिड है क्योंकि वाटर ने अपना हाइड्रोजन आयन CH3NH2 को डोनेट करना है। सो आफ्टर डोनेशन ऑफ प्रोटॉन CH3NH3 पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड में चेंज होगा और वाटर इटसेल्फ अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। इसी तरह से कार्बोनेट आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके HCO3 नेगेटिव आयन बनाएगा और साथ इसमें हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। अब इस केस में CO3 2 नेगेटिव बेस है, वाटर इसमें एसिड है क्योंकि वाटर ने अपना प्रोटॉन बेस को देना और बेस को देने के बाद ये कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाएगा और वाटर अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस में चेंज होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, CH3COOH वाटर के साथ रिएक्ट करके CH3COOH 2 पॉजिटिव आयन बनाएंगे और साथ इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। अब इसमें बेस कौन सा है, CH3COOH एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा जबकि वाटर अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाएगा। सम सब्सटेंसेस बिहेव एज एसिड एज वेल एज ए बेस। आपके पीछे एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पढ़ी, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिड एज वेल एज बेस की तरह बिहेव करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब इसमें एग्जांपल क्या होगी, एग्जांपल देखें, HCO3 नेगेटिव एक्ट एज द एम्फोटेरिक स्पीशी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोनियम आयन बनाएगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड है और कार्बोनेट आयन बनाएगा जो कि कॉन्जुगेट बेस है। सो HCO3 इसमें एसिड है, ये अपना ये वाला प्रोटॉन बेस को डोनेट करने के बाद बेस को किस में, कॉन्जुगेट एसिड में चेंज करेगा और खुद कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल में देखें, HCO3 नेगेटिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो H2CO3 बनाता है और साथ इसमें क्लोराइड आयन बनता है। अब इस केस में ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करना है। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने के बाद ये कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा H2CO3 और साथ एसिड जो कि अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाएगा जो कि क्लोराइड आयन। ये स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रही हूँ, इनको आप सॉल्व करें, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 2 नेगेटिव इज, ए ऑप्शन PO4 3 नेगेटिव, बी ऑप्शन H2PO4 2 नेगेटिव, सी ऑप्शन H2PO4 नेगेटिव एंड डी ऑप्शन H3PO4। सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी इज नॉट एम्फोटेरिक,
A option, water. B option, ammonia. C option, HCO3 negative. And D option, SO4 2 negative. Third multiple choice question देखें. According to the Bronsted-Lowry, acid is a species. A option, accepts electron. B option, accepts proton. C option, donates proton. And D option, donates electron. Which one of the following is the Bronsted-Lowry base? A option, ammonia. B option, potassium hydroxide. C option, ammonium ion. And D option, calcium oxide. Dear students, ये कुछ equations हैं जो कि मैं आपको दे रही हूँ. इनको आपने लिखना है और इनके नीचे identify करना है कि इनमें से acid base, conjugate acid, conjugate base कौन कौन से हैं. आई होप आपको आज का लेसन समझ में आ गया होगा. ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसको अच्छी तरह से लर्न करें और इक्वेशंस की प्रैक्टिस करें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.